नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 आज हम कर रहे हैं, इसका फिफ्थ भाग। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले मानना है, मान लो अंश बराबर एक्स और हर बराबर है वाई। अब भिन्न किसके बराबर होती है? अंश ऊपर हर नीचे, अंश बटा हर यानी कि अंश है x बटा हर है y, तो x बटा y हमारी भिन्न होगी। प्रश्न के अनुसार यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर है x बटा y, अक्ष में भी 2 जोड़ दिया, y में भी 2 जोड़ दिया, तो हमारी जो भिन्न है वो बन जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से 9/11। इन्हें हमने बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 11 यहाँ दोनों के साथ गुना होगा, 11 गुना x हो जाएगा 11x प्लस प्लस 11 गुना 2 हो जाएगा 22 बराबर 9 गुना y हो जाएगा 9y प्लस 9 गुना 2 हो जाएगा 18। आइए हम इसे आगे हल करते हैं। यहाँ से 11x बराबर होगा 9y प्लस 18, 22 यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास आ गया 11x बराबर 9y प्लस माइनस माइनस 18 में से 22 चला गया तो -4 उत्तर आ गया। 4 के साथ 22 के साथ माइनस का निशान था, बड़ी रकम थी तो इसके साथ भी माइनस आएगा। ये हमारे पास समीकरण आई और यहाँ से हमारे पास x किसके बराबर आ जाएगा? 9y माइनस 4 बटा 11, इधर x के साथ गुना हो रहा है तो उधर आके हो जाएगा भाग। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो कंडीशन है वो ये दे रखी है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। देखो अंश है एक्स, वाई है हर है वाई, दोनों में 3 जोड़ दिया +3 +3 तो ये 5/6 के बराबर होती है। यहाँ फिर से जैसे वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था वैसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को इस एक्स से गुना करेंगे तो 6 गुना एक्स 6x प्लस 6 गुना 3 18 बराबर 5 गुना y 5y प्लस 5 गुना 3 15। इसे हम हल करते हैं, यह है 6x बराबर 5y प्लस 15, 18 यहाँ प्लस हो रहा है उधर आके हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास आ गया 6x बराबर 5y प्लस माइनस माइनस 15 में से 18 गए माइनस 3। ठीक है बच्चों, अब हम ये जो x का हमने मान यहाँ निकाला इसको मानते हैं इक्वेशन 3। ये 1 को सॉल्व करके आया और इसे हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 इसके बजाय हम इसको लेंगे, तो पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो x की जगह लिखेंगे 9y माइनस 4/11, तो हमारे पास है 6 × x, x की जगह है 9y माइनस 4/11 बराबर 5y माइनस 3। अब देखिए ये 11 जो है ये इसके साथ यहाँ भाग हो रहा है उधर जाएगा तो 11 गुना हो जाएगा 5y माइनस 3 के साथ, ये 11 यहाँ भाग हो रहा है ना उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। ये 11 जो है यहाँ भाग हो रहा है, ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 11 को 5y से गुना करेंगे तो आ जाएगा 11 × 5 = 55y माइनस 11 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 × 3 = 33। और इस तरफ क्या होगा, ये 6 इस ब्रैकेट के बाहर है तो ये 6 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, 6 9 से गुना होगा तो ये बन जाएगा 6 9 54 साथ में y माइनस 6 × 4 6 = 24। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, y वाली रकमों को एक तरफ ले आएंगे तो ये 54y, ये 55y है, इसको उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा -55y बराबर, ये है -33, ये है 24 प्लस -24 उधर जाके हो जाएगा +24। देखिए ध्यान से, 54 में से 55 गए प्लस माइनस माइनस, 55 में से 54 गए 1y
साथ में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 55, तो 55 के साथ निशान है माइनस का, तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। बराबर माइनस प्लस माइनस, 33 में से 24 माइनस किया 9, साइन बड़ी रकम 33 का माइनस। अब माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास वाई का मान आ गया है 9, वाई का मान आ गया है 9। अब हम ये वाई का जो मान है इसे डालेंगे, इस y के मान को डालेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो हमारे पास 3 इक्वेशन में है x बराबर 9y माइनस 4 अपॉन 11, x बराबर 9y माइनस 4 अपॉन 11, 9 इंटू y कितना था 9, माइनस 4 अपॉन 11। तो देखिए 9 आए, 81 माइनस 4 बटा 11, 81 में से 4 गए 77 बटा 11, ये देखिए 77 बटा 11, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे 7 के पहाड़े में, 11 सातें 77, इसका मतलब x कितना आ गया हमारे पास, ये x ही था ना, ये x कितना आ गया 7, x कितना आ गया है 7 आ गया है। तो अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में भिन्न निकालनी है। देखिए जूम आउट कर रहा हूं मैं, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम यहां लिखेंगे भिन्न बराबर, भिन्न किसके बराबर है, x बटा y के बराबर, x बटा y के बराबर। अब देखिए x किसके बराबर है, अभी हमने निकाला 7 बटा, y किसके बराबर है, ये रहा 9, तो भिन्न कितनी आ गई 7 बटा 9, भिन्न कितनी आ गई 7 बटा 9, यही हमारा उत्तर है। हमें भिन्न निकालनी थी, ये हमने भिन्न निकाल दी है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और यदि आपको ये समझ आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।